Hello, students. I am Dr. Amit Bhatnagar working as professor in the Department of Agronomy at GB Panth, University of Agriculture and Technology, Pannagar, Uttarakhand. What is the difference between the total quantity and available quantity of nitrogen, phosphorus, and potassium, and what is the significance? The total amount may be very high, but the available amount that is available to plant means which is in the ionic form is very less. Generally, it is 5%, 10%, or even less than uh, 2%.

तो अच्छी है लेकिन जो अवेलेबल अमाउंट है बहुत कम है सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सॉइल में एवलेबल नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कितना है सो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दिस टोटल एंड एवेलेबल सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल एंड एवलेबल एंड एवलेबल न्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली नाइट्रोजन फॉसफोरस एंड पोटेशियम available means uh, if we talk about the nitrogen to available means what is the amount of nitrate and ammonium in soil solution so available means what is the amount in soil solution and in case of phosphorus it is the amount of uh, primary orthophosphate and secondary orthophosphate in soil solution and in case of potassium what is the amount of k plus ion सो इफ दीज फॉर्म आर प्रजेंट इन सॉइल सोल्यूशन दैन रेयटली एवेलेबल टू द प्लांट तो अगर ये फॉर्म सॉइल सोल्यूशन में है तो ये तुरंत एवेलेबल हो जाती हैं और दैट इज इट इज नोन एज एवेलेबल फॉर्म तो जो हमारी रियडली एवेलेबल है क्विकली एवेलेबल है वो इससे डिसाइड करेगी कि सॉयल सोल्यूशन में ये आयन्स कितने हैं दिस इज नोन एज एवेलेबल बट द टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन में बी वेरी हाई

एंड टोटल नाइट्रोजन तो सॉयल में ऑर्गे मेटर बहुत ज्यादा हो सकता है टोटल नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो सकती है टू थाउजेंड के जी नाइट्रोजन टोटल हो सकती है बट एवेलेबल में भी लेस देन हंड्रेड के जी पर हेक्टर तो अब ये जो टोटल नाइट्रोजन और एवेलेबल नाइट्रोजन है कितनी एवेलेबल होगी इट इज डिसाइडेड बाय दिस मिनरलाइजेशन मीन्स डिकम्पोजिशन बाई माइक्रोवस तो जो टेम्परेचर है वहाँ का मॉइस्चर uh, कैसा है टेम्परेचर कैसा है माइक्रो एक्टिविटी कैसी है दैट विल डिसाइड दी एवलेबल नाइट्रोजन सो टोटल नाइट्रोजन विल भी डिसाइडेडेडेडेडेड बाई द हाउ मच ऑर्गनिक मैटर इस प्रजेंट सो टोल नाइट्रोजन इज डिसाइडेड बाई द अमाउंट ऑफ ऑर्गनिक मैटर इसका मतलब हमें टोटल अगर नाइट्रोजन बढ़ानी है तो हमें सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना पड़ेगा चाहे क्रॉप प्रेजिटिव से एव वाई एम से वर्मी कंपोस्ट से कैसे भी तो अगर जब तक टोटल ये ऑर्गेनिक मैटर नहीं बढ़ेगा तो टोटल नाइट्रोजन नहीं बढ़ेगी एंड देन दिस मिनरलाइजेशन विल डिसाइड द अवेलेबल नाइट्रोजन सॉइल में कितनी अवेलेबल होगी मीन्स विच इज अवेलेबल टू द रूट प्लांट प्रोटीन को या एमाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं प्लांट एब्जॉर्व अमोनियम और नाइट्रेट इसी आयन को करते हैं एंड दीज आयन आर ओनली आफ्टर द डिकम्पोजन दैट इज द मिनरलाइजेशन सो मिनरलाइजेशन विल डिसाइड दी एवलेबल नाइट्रोजन एंड दिस मिनरलाइजेशन इज डिसाइडेड बाय माइक्रो एक्टिविटी तो माइक्रो एक्टिविटी बहुत अच्छी हो टेम्परेचर फेवरेबल हो मॉइस्चर बहुत अच्छा हो तभी एवेलेबल नाइट्रोजन बढ़ेगी सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नाइट्रोजन एंड एवलेबल नाइट्रोजन तो आप सॉइल में अगर एवलोमीटर बढ़ भी जाए लेकिन अगर मिनरलाइजेशन ना हो पा रहा हो वाटर लॉगिंग हो गई हो या बहुत ड्राई कंडीशन हो या बहुत ठंडा सीजन हो तो मिनराइेशन नहीं होगा जब मिनरलेशन नहीं होगा तो एवलेबल तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगी कम हो जाएगी नेक्स्ट इज द टोटल पी एंड एवलेबल पी हम जब टोटल पी की हम बात करें और एवलेबल की टोटल पी मीन्स वट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस इन प्राइमरी मिनरल सेकेंडरी मिनरल्स जो मिनरल्स में टोटल है जो सॉयल सॉल्यूशन में है ऑर्गेनिक मैटर में है

उसकी वैदरिंग होती है उससे मिनरल्स निकलते हैं उसी के बाद हमें सारी न्यूट्रंट मिलते हैं तो वट इज़ दी अमाउंट इन प्राइमरी मिनरल्स प्राइमरी मिनरल्स में कितना फास्फोरस है सेकेंडरी मिनरल्स में कितना है uh, और ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर में कितना है ये और सॉल्यूशन में कितना है दैट इज द टोटल फास्फोरस दैट इज टोटल फास्फोरस अगर कोई प्रेसिपिटेट है दूसरे कंपाउंड्स हैं फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स जो दूसरे हैं उसमें कितना है uh, कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं जो प्रेसिपिटेट कर गए हों तो दैट इज़ दी अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ फास्फोरस तो जो फास्फोरस चाहे फास्फेट फॉर्म में हो चाहे एस टू पी फॉर्म में चाहे पी है किसी भी फॉर्म में है चाहे कोई सी रॉक में है मिनरल में है सॉइल के अंदर जितना भी है टोटल दैट इज इज़ टोटल पी एंड व्हाट इज़ द एवेलेबल पी अब जो एवेलेबल पी होगा जो इसमें से जो निकलेगा Uh, which is released as a H2PO4 minus or HPO4 uh, double minus, that is the available P. This available P. And this quantity is very less. As compared to total P, available P is very less. Plant absorb only this type of uh, um, phosphorus, which is present in uh, ortho, primary orthophosphate ion and secondary orthophosphate ion. And uh, phosphorus is present in uh, इन टोटल पी एज ए एल्मोनियम फॉस्फेट एज ए एलमोनियम फॉस्फेट आयरन फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट इन डिफरेंट फॉस्फेट फॉर्म्स में रहता है एंड एडजॉर्ड एडजोर्ड ऑन क्ले सरफेस पे एडजॉर्व रहता है और एंड एड्जॉर्ड ऑन आयरन एंड एलमोनियम ऑक्साइड पे एडजॉर्व रहता है फास्फोरस एच टू पी ओ फोर तो जो एच टू पी ओ फोर है इन इन उसमें भी रहता है फॉर्म में एच टू पी ओ फोर एंड एच पी ओ फोर

एलमुनियम के आयरन के अंडर एसिडिक कंडीशन एंड अंडर अल्कलाइन कंडीशन इट मेक द कंपाउंड विद द कैल्शियम एंड कैल्शियम फॉस्फेट प्रसिपिटेट बन जाते हैं हो जाता है क्ले कॉम्प्लेक्स पे और एबजॉर्ब आयरन एल्मीनियम ऑक्साइड पर एबजॉर्ब हो जाता है एंड वेरी लिटिल अमाउंट इज प्रेजेंट इन सॉल सोलूशन सो इट इज़ दे एवलेबिल पी सो जो टोटल पी है उससे हम पता नहीं लगा सकते कि एवलेबिल पी कितना होगा क्योंकि बहुत सारी कंडीशन अफेक्ट करती हैं एवलेबल पी को सपोल लो टेम्परेचर इज देयर लो मॉस्चर इज देयर दैन एवलेबिलिटी विल बी वेरी लेस तो इसलिए हमको जब भी हम सॉइल टेस्टिंग करें तो उसमें एवेलेबल पी जरूर देखेंगे कितना अवेलेबल प्लांट को हो रहा है टोटल पी तो बहुत ज़्यादा हो सकता है मिनरल्स में हो सकता है जो एपेटाइट मिनरल्स हैं उसमें हो सकता है एल्यूमिनियम फास्फेट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कैल्शियम फासफेट्स बहुत हो सकते हैं लेकिन वो एवेलेबल नहीं होंगे प्लांट को जब तक कि वो सॉइल सोल्यूशन ना आए पूरे वेदरिंग हो पूरा सॉर्प्शन डिजॉर्पन प्रोसेस हो सॉइल सोल्यूशन में आए और इस फॉर्म में हो तभी जो है अवेलेबिलिटी की बढ़ेगी सो दिस इज़ द डिफरेंस इन टोटल पी एंड एवेलेबल पी तो अब देखा जो टोटल नाइट्रोजन होता है वो ऑर्गेनिक मैटर में होता है और जो टोटल पी होता है वो मिनरल्स में होता है ऑर्गेनिक मैटर में है सल्सोलेशन में है कंपाउंड्स में है एंड द नेक्स्ट इज़ टोटल एंड एवेलेबल पोटेशियम जो अब पोटेशियम है पोटेशियम नॉन एक्शिबल फॉर्म में ज़्यादा होता है uh, अगर हम पोटेशियम को देखें uh, टोटल एंड अवेलेबल पोटेशियम जो टोटल पी है सॉरी जो टोटल के है टोटल के इट इज़ आल्सो प्रजेंट इन मिनरल्स मिनरल्स में हो सकता है मेनली इसके माई का है फेलस्फार है जैसे फॉस्फोरस का एपिटाइट था माई का फेलस्फार इट इज प्रजेंट इन दिस मिनरल फॉर्म में हो सकता है नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में हो सकता है नॉन एक्सचेंजबल फॉर्म का मतलब यह है कि इट इज़ प्रजेंट इन क्ले मिनरल्स Uh, it is fixed in क्ले मिनरल्स uh, in clay क्ले uh, layers, vermiculite में illite में vermiculite, illite, it may be fixed. इस तरह से लेयर रहती हैं इस तरह से लेयर है एंड सपोज टू वन एस टू वन है टू स्टू वन है तो इसमें पोटेशियम आइन इस तरह की पोटेशियम आइन फिक्स हो जाते हैं एंड नाउ इट इज नॉट एवेलेबल टू द प्लांट तो जो इस तरह की लेयर्स फिक्स नहीं हो पाती जब तक ये लेयर खुलेंगी नहीं जब तक ये एक्सपेंड नहीं होगी तब तो तक तो तो पोटेशियम नहीं होगा सो इट इज प्रेजेंट इन सॉयल बट नॉट एवेलेबल टू प्लांट बिकॉज इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल सोल्यूशन फॉर एवेलिटी इज इट न्यूट्रेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन सॉइल सोल्यूशन अगर किसी न्यूट्रेंट को अवेलेबल होना है तो उसको सॉयल सोल्यूशन में होना और आयनिक फॉर्म में होना जरूरी है इसकी दो चीज़ें जरूरी हैं एक तो आयनिक फॉर्म में हो जिस फॉर्म में ऑब्जर्व होता है दूसरा सॉइल सोल्यूशन में हो अब ये आयनिक फॉर्म में तो है लेकिन सॉइल सोल्यूशन में नहीं है तो ये अवेलेबल नहीं है या जो uh, इस तरह के जो पोटेशियम है नॉन एक्सचेंजल फॉर्म बहुत ज़्यादा होती है और एक्सचेंजल फॉर्म जो है एक्सचेंजल uh, फॉर्म में हो सकता है पोटेशियम एक्सचेंजल फॉर्म में uh, जो है सॉयल सोल्यूशन के साथ हो और सॉयल सोल्यूशन में हो सकता है तो ये जो टोटल अमाउंट है नॉन एक्सचेंजबल एक्सचेंजबल सॉयल सोल्यूशन ये ये दिस इज द टोटल टोटल फास्फोरस एंड ओनली ए स्मॉल अमाउंट इज प्रेजेंट इन सॉल सॉल्यूशन ओनली ए स्मॉल एंड दिस कम थ्रू द एक्सचेंज फिनोमिना एक्सचेंज फिनोमिना और जनरली अगर हम कहीं जो नाइन्टी टू नाइन्टी एट परसेंट जो है मिनरल्स में रहता है नॉन एक्सचेंज फॉर्म में होता है और जो सेल सोल्यूशन रहता है वो वन से टेन परसेंट ही रहता है इन सेल सोल्यूशन और जो रेडली एवेलेबल है वो तो अबाउट वन टू टू परसेंट है तो जो टोटल कंप हम बात करें टोटल के की उसमें तो एवेलेबल रे एवेलेबल एवलेबल पोटेशियम इज ओनली वन टू टेन परसेंट एंड रियडली एवेलेबल रियडली एवेलेबल का मतलब यह है कि क्विकली एवेलेबल क्विकली एवेलेबल हम कह सकते हैं इसे क्विकली एवेलेबल वन टू टू परसेंट दैट इज प्रजेंट इन सॉइल सोल्यूशन तो एक्सचेंज फिनोमिना के थ्रूल सर्फेस पर रहता है सर्फेस से सॉयल सोल्यूशन में आता है एक्सचेंज फिनो होता है डाटन एक्सचेंज फिनोमिना के थ्रू सॉयल सोल्यूशन में आता है तो दिस इज दी एवेलेबल पी और सॉरी एवेलेबल के सो हमने देखा कि जो टोटल uh, जो अमाउंट uh, है मे बी वेरी हाई इन केस ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम बट एवेलेबल दैट इज़ प्रेजेंट इन सॉइल सोल्यूशन इज़ वेरी लेस सो न्यूट्रेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो सकती है टोटल अमाउंट लेकिन अवेलेबल अमाउंट बहुत कम होती है तो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि उसमें एवेलेबल कितना है सॉइल सोल्यूशन में तो जब भी सॉइल टेस्टिंग कराएं तो एवेलेबल अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो वही जो है प्लांट को अवेलेबल होगी तो ये मैंने आपको बताया कि टोटल पी और के जो होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम बहुत हाई हो सकते हैं लेकिन प्लांट के लिए ये बहुत आ, कम है तो इसको अगर हम देखें कि टोटल अगर हम ये बनाएं कि टोटल जो, जो है टोटल न्यूट्रिएंट जो है टोटल अमाउंट हम अगर नाइट्रोजन की देखें तो नाइट्रोजन के लिए जो टोटल अमाउंट इज़ हाई इन ऑर्गेनिक मैटर एंड इन केस ऑफ फास्फोरस इट इज़ इन मिनरल्स मिनरल सेकेंडरी मिनरल्स कंपाउंड सेकेंडरी मिनरल्स एंड कंपाउंड्स अदर कंपाउंड्स एंड पोटेशियम इज प्रजेंट इन मिनरल फॉर्म मिनरल फॉर्म फलस्फाराइका यहाँ भी मिनरल है यहाँ एपेटाइट मिनरल है एंड नॉन एक्सचेंजिबल फॉर्म नॉन एक्सचेंजिबल फॉर्म और ये सेकेंडरी मिनरल्स नॉन सॉलीबल लेस सॉलिबिलिटी होती है इनकी नॉन एक्सचेंजल फॉर्म सो दीज आर द टोटल अमाउंट एंड एवलेबल अमाउंट अगर हम देखें कि एवेलेबल जो है आ, वो सॉइल सोल्यूशन में है एवलेबल इन सॉइल सोल्यूशन सॉइल सोल्यूशन तो एवेलेबल इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट इज़ अमोनियम एंड नाइट्रेट फॉर्म एंड इन केस ऑफ फॉस्फोरस इट इज़ एच टू पी ओ फोर एंड एच पी ओ फोर डबल माइनस फॉर्म एंड इट इज़ पोटेशियम सिंगल मो दिस इज द एवलेबल दिस इज द एवेलेबल इन सॉइल सोल्यूशन एंड इट इज़ द टोटल अमाउंट वेदर इट इज इन मिनरल वेदर इट इज इन कम्पाउंड वेदर इट इज इन सॉइल सोल्यूशन कहीं भी है सॉइल के अंदर किसी में भी मिनरल में है क्ले में है एब्जॉर्व है कहीं भी है एक्सचेंज में है सॉइल सोल्यूशन में है जो भी है जो टोटल अमाउंट जो सब कुछ है वो टोटल है और लेकिन जो केवल सॉयल सोल्यूशन में है क्योंकि जो सॉइल सोल्यूशन में होती है उसी को प्लांट एब्जॉर्व करते हैं क्योंकि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो न्यूट्रेंट हॉर्स करती हैं थ्रू वाटर वाटर के थ्रू एब्जॉर्बशन होता है अगर हम ये प्लांट को हम देखें ये रूट्स को हम देखें तो जो ये वाटर है इस वाटर का साथ जो एब्जॉर्बशन रूट्स करती हैं इस वाटर को जो एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स तो इसी वाटर के साथ न्यूट्रेंट एब्जॉर्बशन होता है तो न्यूट्रेंट ऑब्जॉर्बेशन इज ऑलवेज अलॉन्ग विद द वाटर तो बिना वाटर के न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब्शन नहीं हो सकता है अगर सॉयल और चाहे उसमें कितना ही न्यूट्रेंट है ऑब्जॉर्ब नहीं होगा सो न्यूट्रेंट एब्जॉर्बन इज ऑलवेज अलॉन्ग विद द वाटर और जो वाटर के साथ वही आएगा जो आयनिक फॉर्म में होगा तो जो आयन्स होंगे वही सोल्यूशन में रहते हैं तो इसका मतलब जो अवेलेबल फॉर्म है वो आयनिक फॉर्म है और जो फॉयल स्वाल सोल्यूशन में है सो दिस इज़ द डिफरेंस इन टोटल एंड अवेलेबल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम थैंक यू वेरी मच